जो तुम्हें भूल गया है उसे याद करके रोना अच्छा नहीं है। वो मुझे याद नहीं आई मास्टर, नजर आ गई। उसके आज के दीदार ने मेरे कल के जख्मों को हरा कर दिया। मैं दर्द से तड़प उठा हूँ मास्टर, टूट कर प्यार किया था मैंने उससे। नहीं केपी, लेकिन अब वो किसी और की हो चुकी है। वो किसी और की हो सकती है, लेकिन मैंने तो किसी और को नहीं अपनाया। उसने किसी और का हाथ थाम लिया, लेकिन मैं तो आज भी उसकी तस्वीर की पूजा करता हूँ। ये पूजा होती ही ऐसी है, कोई मूरत को पूछता है, कोई सीरत को पूछता है। केपी, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन आज पूछता हूं। क्या हुआ, क्या था? शक्तियों के झेलने को चाहिए पत्थर का दिल, हाथ भर का हो कलेजा दिल लगाने के लिए। इस दुनिया में दौलत पैदा करना बड़ा आसान है, मगर किसी के दिल में घर बनाना बड़ा कठिन है। भरे सावन में रेगिस्तान लगता है, ये घर मेरा खाली मकान लगता है। बस मास्टर, हम तो गए मास्टर, हम तो गए। मुझको लंबी उम्र की दुआ न दो, जितनी गुजरी नागवार गुजरी। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है, बल्कि इस बात की खुशी है कि मेरी गम भरी जिंदगी का चलो एक और साल कम तो हुआ। कृष्ण प्रसाद, वाह 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 वाह, आज मुझे पहली मर्तबा पता चला कि इतने बड़े महल में रहने वाला शख्स इतना छोटा भी हो सकता है। अरे जिस मोहब्बत को तो अपनी मोहब्बत के बल से हासिल ना कर सका, उस मोहब्बत को अपनी कायरता छल कपट से हासिल करना चाहता है। आज मुझे पता चला कि तेरे इस मासूम और भोले चेहरे के पीछे एक शैतान, एक भेड़िया रहता है। मास्टर चिल्ला मत, तू मोहब्बत में मिटा जरूर है, मगर मोहब्बत के फलसफे को नहीं समझा तू। बहुत ऊंचा फलसफा है, और मैं यहां तेरी शरारतों को रफू करने आया था, तेरी बदतमीजों को रफू नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया, तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूंगा। मास्टर तो सिर्फ बातों की चिंदियां रफू कर सकता है, दिलों के चिथड़ों को नहीं। चल जा। मैं आ गई हूं केपी साहब, मगर ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मर्जी से आई हूं। मुझे यहां मेरी मजबूरी लाई है। पति पत्नी के लिए भगवान होता है, और मैं अपने पति के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। बोलो, उन्हें छोड़ने का क्या लोगे? बोलो, जवाब दो। तुम्हारा ईमान धर्म तो बिजनेस है ना? बोलो, क्या उतारू? कंगन, ये मंगलसूत्र, या फिर ये? क्या समझती हो, मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत है? तुम्हारे शरीर की भूख है मुझे? मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से नहीं,
तुम्हारी आत्मा से प्यार किया, लेकिन तुमने तुमने मेरी कद्र नहीं की, मेरा इंतजार नहीं किया, मुझे किसी गुजरे हुए वक्त की तरह भुलाकर किसी और का हाथ थाम लिया। प्यार हम दोनों ने किया, मगर तड़पना सिर्फ मेरे नसीब में आया। मेरा तुम्हारा नाता तो उसी दिन टूट गया जिस दिन तुम्हारी शादी हुई। मैं उस दिन तुम्हारे घर अपनी मोहब्बत का इजहार करने नहीं गया था, अपने दर्द अपनी तड़प का हिसाब मांगने के लिए नहीं गया था, बल्कि उस रात पार्टी में हुई इस गलती की माफी मांगने के लिए गया था जो तुम्हारे जुदाई तुम्हारे शोक में चोट खाए मेरे दिल के हाथों हो गई। लेकिन तुमने मेरे जज्बात को नहीं समझा, मुझे कोई गिरा हुआ या घटिया आदमी समझकर धिक्कार दिया। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बदला लेने के लिए नहीं किया, बल्कि तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए किया कि तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरे मन में कोई खोट कोई पाप नहीं है। मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी। मैंने तो तुम्हें माफ किया, मगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कर कीजिएगा। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी का मतलब समझता है? कुछ भी इसे देखता है, ये एक आंख से दिखती है, बहुत जालिम है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं दिखती। मैं इससे भी ज्यादा जालिम हूं। अरे पागल, अगर ये मुझसे प्यार करती तो चुप चुप के थोड़ी मिलती, एक रात में तुझे और तेरे घर वालों को लात मारकर केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन बन जाती, क्या कर लेता तू? मगर ये ऐसा नहीं करेगी, मालूम है क्यों? ये इंडिया है इंडिया, यहां पर औरत दीवार से तो गिर सकती है मगर अपने मयार से नहीं। यहां पर प्यार मोहब्बत तो एक बार लोग खुल के कर लेते हैं, मगर शादी ब्याह बड़ा सोच समझ के किया जाता है। जात पात ऊंच नीच पीढ़ी सीढ़ी खानदान पानदान संस्कार कार बैंक बैलेंस अंट बंट शंट बाबा जी का घंट सब देखा जाता है साला, मगर क्या फायदा? इसके बाप ने मेरी इसके साथ शादी नहीं होने दी क्योंकि मैं नौकर था। कहा कि मैं अपनी बराबरी वाले से शादी करवाऊंगा। क्या? मेरे नौकर से शादी कर दी बुड्ढे ने। आज पैसे और शोहरत के मामले में मैं इसके बाप का भी बाप हूं। क्या कर लिया मैंने? हाँ, ये सुर्खी जो इसके मांग में सिंदूर बनाकर सजाना चाहता था आज भी मेरे माथे पे मेरे नसीब की तरह सिमटी हुई है। और तू कहता है कि ये मुझसे प्यार करती है? ये सिर्फ तुझसे प्यार करती है। शंकर की जटाओं में उलझने के बावजूद गंगा की तरह पवित्र और निर्मल है ये। मैं देख सकता हूं, तू नहीं देख सकता। तू विश्वास कर, विश्वास पर दुनिया कायम है। विश्वास ही ऐसी चीज है दुनिया में जो पत्थर की मूर्ति को भगवान बना देता है। बोल, तू विश्वास करता है कि नहीं? कृष्णा। हाँ? बोल। है? कृष्णा। तू करता है कि नहीं करता है? हाँ? नहीं नहीं। हे राम। कृष्णा, ये तुमने क्या किया? दुनिया सच्चाई का सबूत मांगती है नहीं। और सच्चाई साबित करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। दीपक, मैंने पूजा को घर बुलाया था मगर वो मेरी हवस नहीं थी, मेरा अहंकार था। तुम मुझे बुरा कह सकते हो मगर गिरा हुआ नहीं। कृष्णा नाम है मेरा, काला, मगर तुम तो दीपक हो। अपनी रोशनी में पूजा की पवित्रता को देख सकते हो। दीपक, मर्यादा ही राम का दूसरा नाम है।
अपनी हद से ना गुजरे कोई इश्क में, जिसे जो मिलता है नसीब से मिलता है। कृष्णा